नमस्कार। तो अभी हमने आपको सिखाया पश्चिमोत्तानासन, और पश्चिमोत्तानासन के बाद आपको साइड बेंडिंग भी सिखाते हैं। साइड बेंडिंग में आपकी साइड की जितनी भी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होंगी, तो जो स्ट्रेचिंग है वो बहुत ज़्यादा पावर देती है, ये तो आपको पता ही है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, आपके लिगामेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके शरीर के जितने भी सिस्टम हैं बहुत सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपके ऑर्गन को बहुत ज़्यादा पावर देने के लिए कौन सा हम आसन करने वाले हैं, वह आपका इस तरह से आपको पहले तो बैठना है। ऐसे बैठेंगे, बैठने के बाद आपको एक पैर को बैंड करना है, यानी जानुशीर्षासन। और जानुशीर्षासन में ही आपको परिवर्तित जानुशीर्षासन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको साइड में आ जाना है। ये साइड में आएंगे, कोशिश और करें थोड़ा सा साइड में आने की, ये आपकी कोशिश रहेगी। ये पैर यहीं है, आपका घुटना इस तरफ आ गया। उसके बाद आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। बैठने के बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। ये दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और कुछ देर के लिए यहीं पर होल्ड करेंगे, रोक लेंगे कुछ देर, यानी कि 20 सेकंड या 30 सेकंड। इसमें आपको खिंचाव तनाव होगा शरीर के एक एक अंगों पर, आप महसूस करते चले जाइए। आपकी जो अतिरिक्त चर्बी है, जो ढीठ चर्बी है, बहुत समय से आप बहुत प्रयास कर रहे हैं नहीं जा रही है, तो उसके लिए आपको आप कुछ दिनों में ही आपको परिवर्तन नज़र आएगा, आपके शरीर में एक शेप नज़र आएगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे झुकना है, जिस पैर के पंजे को आपने खोल रखा है, यानी घुटने को खोल रखा है, उस तरफ आपको जाना है। और इस तरफ जाकर थोड़ा सा आपको इस तरह से जाना है और हाथ को आगे लेकर आना है, इस तरह से हाथ को आगे लेकर, और आकाश की तरफ आपको देखना शुरू कर देना है। कुछ देर तक आप रोक कर रखेंगे इसको, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, आपकी साइड की पूरी मसल्स खिंच रही हैं, आपके घुटने की पूरी मसल्स खिंच रही हैं, आपके घुटने का दर्द भी दूर होगा, साइड की चर्बी भी जाएगी, आपके जितने भी ऑर्गन हैं बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो इससे आपके जो भी लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वह सबके लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखिए माइंड भी बहुत पीसफुल होता है। आप कुछ क्षण के लिए रोक कर रखें अपने आप को यहाँ पर, कुछ क्षण यानी कि 20 सेकंड, 30 सेकंड, या फिर आप एक मिनट तक भी रोक सकते हैं। और किसी भी आसन में रुकने के लिए आप अगर पूछें कि कितना समय आप रोक सकते हैं, तो आपकी क्षमता अगर अधिक है तो आप 5 मिनट तक रोक कर रखें, फिर देखिए कि आपके शरीर में कितनी पावर आ रही है, कितनी चमक आ रही है, एकदम ऑरा ही आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको बैलेंस के साथ जाना है। तो बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए अब जो पैर बैंड था वो सीधा कर दिया हमने, और जो सीधा था उसको बैंड कर दिया। इस तरह से आपको पोस्चर एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही चलना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पोस्चर नहीं बना तो आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं। कुछ समय के बाद आपका बहुत अच्छा पोस्चर सेट होने लग जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर भी रोकना है कुछ देर के लिए, रुक कर आगे करके अपने अंदर ही अंदर मनन करना है, आप बहुत बेस्ट हैं, बहुत खूबसूरत है। आज का दिन आपका बहुत ही खूबसूरत बीतने वाला है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं ईश्वर की कृपा से पूर्ण होता है। आज का दिन बहुत खूबसूरत बीतने वाला है, ऐसे सोचते रहिए, सोचते रहिए। आप अपने परिवार के प्रति कल्याणवद हैं। और धीरे धीरे आपको जाना है साइड में, आप धीरे धीरे जाएंगे साइड में, और धीरे धीरे जाते हुए आपको हाथ यहाँ लाना है और अपने पैर के पंजे को पकड़ना है। थोड़ा सा आपको ट्विस्ट होना है, थोड़ा सा ट्विस्ट होंगे, आपका घुटना ज़मीन पर ही रहे, कोशिश करते रहिए, ये आपकी कोशिश कंटिन्यू चलती रहे। रोक लीजिए 20 सेकंड, 30 सेकंड, एक मिनट, और हमने आपको बताया कि आप जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। खिंचाव तनाव आपका है, जितना सहन कर पाएँ। स्थिर सुखम आसनम, जब आपको आसन में सुख प्राप्त होने लग जाए तो समझ लीजिए आपका वह आसन सिद्ध हो गया, यानी कि आपने उसको प्राप्त कर लिया। एकाग्रता बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है, चंचलता कम होती है। महसूस कीजिए सुखद का अनुभव, आनंद की प्राप्ति, एंड धीरे धीरे वापस आप आ जाएंगे। तो आपने देखा ये साइड बेंडिंग भी हो गई आपकी, और कितना अच्छा लगता है जब हम किसी प्रकृति की गोद में आकर और एकदम शांत भाव से बैठ जाते हैं और मनन करते हैं अपने ही भीतर।
मनन किसके लिए करना है? खुद के लिए कीजिए। आपके अंदर सब कुछ है, प्राप्त कीजिए अपने भीतर। बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं है। मनन करते रहिए, स्वास्थ्य आपके आसपास ही है, उसको पी लीजिए, उसको पूरी तरह से महसूस कीजिए, अपने भीतर आने लग गया है। नमस्कार।